नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ एक मिनट में आपको, कि टाइप थर्ड तक हम लोग देख चुके हैं और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अब और जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड वो सब देखेंगे कि और किस किस तरीके से कोडिंग सेट की जा सकती है। पहले हमने लेटर टू लेटर कन्वर्जन देखा, लेटर टू नंबर कन्वर्जन देखा, और थर्ड टाइप में बेसिक्स जो बैकग्राउंड है क्वेश्चन का वो पता होना बहुत जरूरी था। इसके अलावा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? और वो टाइप थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें यही आता है कि सफ़ेद को काला कहा जाए। एक स्टूडेंट है, उसका दोस्त ही है, उसका कमेंट तो नहीं आया, वो मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो और बनाइए आप उनसे रिलेटेड जो टाइप थर्ड है। तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सिलेबस हो जाने दीजिए मेरा, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ खास है ही नहीं। अगर देखिए, मैं कहता हूँ कि काले को सफ़ेद कहा जाए, ठीक है, आसमानी को लाल कहा जाए, ठीक है, अब आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश का रंग कैसा होता है, आसमानी होता है, और आसमानी को क्या कोडित किया गया है, लाल, तो उसका क्या होगा, लाल होगा रंग, आसमान का रंग क्या होगा, लाल होगा। बस इसमें यही है, बाकी मैं और क्वेश्चंस अगर मेरे पास अवेलेबल है तो उनका मैं एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं इसके आगे टाइप 4 की तरफ, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? बेल आइकन भी ना दबाना ना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपका नेट ऑन होते ही, तो वो आपको आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ आप जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए यार, क्योंकि आप लोग हैं वो पढ़ तो रहे हैं यहाँ से, लेकिन इस चैनल के लिए आप थोड़ा सा भी समय नहीं निकल रहे, दिक्कत ये है। मुझे पता है यहाँ सब कुछ पता लगता है कि कौन कौन सी आईडी से कितना टाइम पास आवर हुआ है, क्या हुआ है, सब पता लगता है, ठीक है? लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट का निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हैं यार, कहीं भी करवा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो ये हम आप करें। जब मैं आपके लिए सब इतना कर रहा हूँ यार, इतना बढ़िया कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है? आप 20,000 रुपये देकर भी इतना बढ़िया कंटेंट नहीं ले सकते, और अगर आपको गलत फहमी है तो एक बार दे देना, बड़ी बड़ी जो कोचिंग हैं वो लेती हैं 20-25 हज़ार रुपये, आप वहाँ पर देना, पढ़ना, फिर बताना। तो आप थोड़ा तो रेस्पॉन्सिबल बनिए इस चैनल के लिए, ठीक है? बाकी कंटेंट वाइज मैं आपको पहले बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि कंटेंट वाइज आपको 1% भी समस्या नहीं आनी है, 100% कंटेंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो रही है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, 3 मिनट का हो चुका है ये दोस्तों। अब हम कर रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 की शुरुआत करने से पहले मैं इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो टाइप 4 है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, 100% क्वेश्चन आता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम का फॉर्मेट हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीपीयूएसआई का हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो, या फिर एसएससी एमटीएस का हो, या 7 फेज के एग्जाम चलते हैं एसएससी के, कोई भी एसएससी का फॉर्मेट हो, उसके पेपर का सब एग्जामिनर का सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक है तो ये है। 25 क्वेश्चन आएंगे, पहले 50 आते थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप करता था एग्जामिनर, इस मैट्रिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब 25 क्वेश्चन का स्लॉट आ गया, तो 1 क्वेश्चन 100% एग्जामिनर डालता है, चाहे वो कोई भी एसएससी का स्लॉट हो। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 क्वेश्चन के माध्यम से हर एस्पेक्ट जो इस यहाँ पर संभव है, सारे फंडामेंटल्स जितने भी बेसिक्स हैं वो मैं सारे आपके क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है? उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे हम जल्दी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन आना है ये, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान दें। हाँ, रेलवे में पहला
पहले आते होंगे, लेकिन अब आजकल इसका ट्रेंड खत्म हो गया है। ठीक है, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का कोई फॉर्मेट हो तो 100% आप लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम दोगे दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा रीजनिंग के इस फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एक लैंग्वेज होगी बड़ी सारी, 7-8 लाइंस की, मैं वो अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, आप उसे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं लिखता तो फिर बोर्ड का साइज इतना ही है यार, फिर बार बार लिखना पड़ता, तो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, आप उसे लिख लेना। फंडा क्या है इसका कि दो मैट्रिक्स अवेलेबल होती हैं यहां पर। ठीक है दोस्तों, यहां क्या होता है, मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स सेकेंड, दो मैट्रिक्स आपको एग्जामिनर देगा और इस तरीके से कोडिंग करके हुए करते हुए देगा क्वेश्चन के माध्यम से ही, और आपसे कोई भी वर्ड पूछ लेगा, जैसे डेयर का पूछ लिया यहां पर, आगे कोई भी वर्ड पूछ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, और आपके पास इस तरीके से चार ऑप्शंस वहां अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इस वर्ड के लिए कोडिंग सेट की गई, इस वर्ड के जो लेटर्स है उसके लिए कोडिंग कौन सी सेट की गई है, वो हमारे को इन चार ऑप्शंस में से छांटना रहता है। कुल मिला के इतना सा फंडा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार वीडियो शुरू करें, ये टॉपिक की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं आपको ये पढ़ करके बता देता हूं, आप इसे लिख सकते हैं, मैं एसटी पास आके बोल देता हूं। इंग्लिश वाले हैं वो लिखे, ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, द सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू क्लासेस ऑफ अल्फाबेट्स एज इन टू मैट्रिक्स गिवन बिलो, द कॉलम्स आर द कॉलम्स एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फर्स्ट आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4 एंड दैट ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 9, ए लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्सेज कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाई इट्स रो एंड नेक्स्ट बाई इट्स कॉलम, एग्जाम्पल यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 0 to 2, 3, 4, 1 एटसेट्रा, एंड एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 5, 9, 6, 6, 8, 8 एटसेट्रा। Similarly, you have to identify the set for the given word, dare. ठीक है, dare का पूछा है तो मैं dare को लेके ही बता रहा हूं आपको। हिंदी वाले देखिए, एक शब्द केवल एक संख्या समूह का समूह द्वारा दर्शाया गया है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने कहा कि एक शब्द जो है एक संख्या समूह के द्वारा यहां पर दर्शाया गया है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्पों में दिए गए संख्या समूह है अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूह में है, आव्यूह वन, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स आव्यूह वन के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 में दी गई है और आव्यूह सेकंड की 5 से 9 में। इन आव्यूहों को से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यू को 0 to 2, 3, 4, 1 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा एस को 5, 9, 6, 6, 8, 8 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द के लिए समूह को पहचानना है, डेयर यहां पर शब्द आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये लैंग्वेज मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप इसे लिख सकें। ठीक है, आप इसे निश्चिंत होकर के लिए, अभी लाइट जा चुकी है यहाँ पर और ठीक है, स्क्रीन बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोल लेते हैं थोड़ा फिर। ठीक है,
जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जो लैंग्वेज मैंने बोली है ये आप खुद लिखे, धीरे इसको कम स्पीड पे करके आप खुद लिख लेना। कुल मिला के फंडा जो है वो ये है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। हिंदी में मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं? अवयव। अवयव जैसे इसको सेकंड बोल दोगे, उसको अवयव फर्स्ट बोल दोगे। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों समझ लेना, जो भी है सारा कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, फंडा क्या है? पहले तो जैसे मैंने अभी लैंग्वेज बताई है, उसमें एग्जामिनर ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं। यहां पर देखिए, दो तरीके से कोडिंग सेट की जा सकती है किसी भी वर्ड लेटर को लेकर के। यहां पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये 11th में चलता है मैट्रिक्स, और इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो अलग मैट्रिक्स होता है। ये जो मैट्रिक्स है नॉर्मल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, मैं बता देता हूं कि यहां पर क्या होता है कि रो इनटू कॉलम सिस्टम चलता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप रो इनटू कॉलम में सेट करोगे। ठीक है, दो एस्पेक्ट होते हैं इसके, रो इनटू कॉलम या फिर दूसरा कॉलम इनटू रो, ये दोनों ही तरीके से यहां पर कोडिंग की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 99% केस में जो एग्जामिनर होता है रो इनटू कॉलम का फॉर्मेट का फॉलो करता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रो इनटू कॉलम में सेट किया गया है। ठीक है, वो कैसे होगा बता देते हैं अभी आपको। पहले आप मैट्रिक्स होता क्या है वो जानिए, क्योंकि जो बच्चा आर्ट बैकग्राउंड से है उसको दिक्कत आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मैथ से होगा वो तो खैर ठीक है उसका तो, लेकिन जो आर्ट से होगा, कॉमर्स से होगा, उसको समस्या आएगी इसमें। तो आप क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन इसको लैंग्वेज के रूप में इतना बड़ा कर रखा है कि हमें देखते ही ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अब देखिए, रो दो तरीके से यहां पर सेटिंग की जा सकती है, इनका कोडिंग की जा सकती है। मैट्रिक्स को लेकर के जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं मोटी मोटी। मैट्रिक्स में दोस्तों क्या होता है कि यहां पर देखिए, जो इस तरीके से लेटी हुई लाइनें हैं, लेटी हुए जो कॉलम है आपके सामने, ये जो लाइनें दिख रही हैं लेटी हुई, ये हमारी कहलाती है रो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रो, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों, ये वाली लाइनें, ये होता है रो। क्या होता है? रो। ठीक है, आर ए डब्ल्यू नहीं, आर ओ डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रो। ठीक है, और ये होता है कोलम, इस तरीके से जो लाइन है कोलम की स्पेलिंग गलत हो गई है, COLUMN। ठीक है, इसे भी सही करना, MN। ठीक है, कोलम की स्पेलिंग होती है COLUMN कोलम, और रो की स्पेलिंग होती है ROW। ठीक है, रो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को लेकर के जो बातें हैं वो आप समझिए, बेसिक्स क्या है, आप बेसिक्स पकड़िए। मैं आपको शुरू से, पहले दिन से जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, जब नवंबर में मैंने ये चैनल खोला था, उस समय भी मैंने यही कहा था आपको कि आप बेसिक्स पे नजर गाड़िए, बस एग्जाम तो ऐसे निकलेंगे धड़ाधड़। ठीक है, अब आपका बेसिक्स कुछ है नहीं और आप ऊपर से खेल रहे हो, तो आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है, अगर आप मैट्रिक्स के बेसिक को समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर आप बेसिक्स को नहीं समझे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, वो बताता हूं कैसे। मैट्रिक्स को लेके अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि यहां पर रो इनटू कॉलम सिस्टम चलता है, या कॉलम इनटू रो के रूप में एग्जामिनर कोडिंग कर सकता है। तो कोडिंग किस तरीके से की जा सकती है, इसको लेकर के दो ही तरीके हैं सिर्फ,
या तो वो रो इनटू किसी भी पर्टिकुलर लेटर की कोडिंग अगर वो करेगा तो या तो वो रो इनटू कॉलम के रूप में करेगा या फिर वो कॉलम इनटू रो के रूप में कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब हमें आप ये तो पता लगे कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो दोस्तों जो ये इस तरीके से जो लाइनें हैं और ये जो सेगमेंट है ये वाले, ठीक है, मैं रेड कलर से बता रहा हूं, ये वाले ऐसे, ये सब के सब क्या है? देखिए ये वाला सेगमेंट हो गया, ये वाले हो गए, ये सब के सब क्या है? वो है, जैसे इसमें भी ये है, ये सब के सब क्या है दोस्तों? रो है। ठीक है, आप बेसिक चीजें सीखिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब क्या है दोस्तों? रो है। एक दो तीन, तो इस अगर कोई आपसे पूछे कि यार इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कितने रो हैं, तो आप बताएंगे कि एक रो, दो रो, तीन रो, चार, पांच और छह, यानी कि छह रो अवेलेबल हैं आपके पास। कितने रो अवेलेबल हैं? छह। कैसे काउंटिंग करोगे भाई? आपको ऐसे गिनना है सिर्फ कि खाने गिनने हैं, खाने कितने हैं? एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि कितने खाने हुए मैट्रिक्स में? छह। तो छह कितने हो गए? रो हो गए आपके पास। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स का टाइप है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर और भी डिटेल में, लेकिन अभी आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये इलेवेंथ में ज्यादा चलता है कि चीजें, इलेवेंथ में जो मैथमेटिक्स लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो बता देते हैं अभी आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है दोस्तों, एग्जामिनर जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारा लेगा एसएससी में। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है पहले तो ये तो पता लगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ऊपर दिखेगा नहीं, इधर इधर बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है दोस्तों वो आप डाल लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है दोस्तों जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि अगर यहां पर देखिए कितने रो हैं, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि अगर छह रो है यहां पर दोस्तों तो छह ही क्या होने चाहिए? कॉलम। ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि जितने रो अवेलेबल हैं उतने ही कॉलम हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारा लेगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, और क्या क्या बातें हैं मैट्रिक्स को लेकर के, ये मैंने रो बताया। अब आपको कोई पूछता है कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम आप ऊपर से काउंटिंग कीजिए, एक दो इस तरीके से, तीन चार पांच और छह। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, तिरछी लेटी हुई काउंटिंग करते हैं, तो आपको मिलता है रो की संख्या। अगर आप ऊपर से काउंटिंग करते हैं ऐसे, जैसे ये वाला सेक्शन, फिर ये वाला एक आर के डी एन वी यू, ये सब जो है एक रो कॉलम को फ्रेम कर रहा है, इसी तरीके से टू यू डी आर के एन, ये एक कॉलम को फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका होता है दोस्तों इस तरीके से, जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? कॉलम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको समझाया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो क्या होता है कि इस तरीके से आप गिनिए, इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छह, छह रो है, कॉलम कितने हैं इस तरीके से गिनिए, ऊपर से एक दो तीन चार पांच छह, सही कॉलम है। और एग्जामिनर जो एसएससी में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके पूछता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी कि जितने रो होंगे उतने ही मैट्रिक्स में कॉलम होंगे। ठीक है, अगर छह रो अवेलेबल है आपके पास तो गिनने की जरूरत भी नहीं है, सही कॉलम उसको वो देगा ही देगा वहां। ठीक है, तो ये हुआ तो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ बातें थी जो मैट्रिक्स को लेकर के थी।
ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन कराने हैं हमारे को, ये मैट्रिक्स का बेसिक था। इसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बताया। किस किस तरीके से मैट्रिक्स में कोडिंग की जा सकती है वो मैंने बताया। रो इंटू कॉलम के बेस पर भी की जा सकती है, कॉलम इंटू रो के बेस पर भी की जा सकती है, ठीक। और हमारे को देखिए दोस्तों, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को देखना है। एग्जाम में डेफिनेटली लैंग्वेज रहेगी, तो आपको पहली बात तो ये कि लैंग्वेज पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये देखना है कि कोई भी लेटर, जैसे इसने यू को कोडिंग की है, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज लिखाई, आप उसे लिखना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना। उसमें देखना कि एग्जामिनर ने एक डाला है लाइन कि यू को उसने क्या लिखा है, 0 2 2 3 4 1, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये यू है, इसकी तीन तीन जो कोडिंग कैसे सेट हो गई, तीन तीन कोडिंग कैसे सेट हो गई, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा आपके जो 8 बैकग्राउंड से हो। तो भाई दोस्तों, मैं ये आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि जो यू है उसके 3 या 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी संभव है। कैसे, एग्जामिनर ने हमें ये देखना है कि एग्जामिनर ने कोडिंग कैसे सेट की है। कोडिंग दो ही तरीके से एग्जामिनर सेट कर सकता है, या तो रो इंटू कॉलम का सारा लेकर के, या कॉलम इनटू रो का सारा लेकर के। तो पहला इसमें जो ये होता है दोस्तों, पहला जो नंबर आएगा ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये जो पहला नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। इसमें एग्जामिनर ने लैंग्वेज भी डाली है कि उसको उसने रो इनटू कॉलम का सारा लिया है, ठीक है। तो ये जो पहला है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा लेटर दूसरा नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, ठीक है। जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड लेटर होता है दोस्तों वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इनके द्वारा सर्च कैसे करोगे। जैसे उसने बताया कि 0 2 पर है, तो आप ये देखिए कि अब रो कितना है, 0, और कॉलम कितना है, 2। इससे हमें सर्चिंग में फायदा मिलता है। जैसे 0 2 उसने कोडिंग की यू की 0 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 2 पर पहुंचेंगे सीधा। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, क्योंकि एग्जामिनर ने सीधा दिया है कि उसको रो 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 इनटू कॉलम के रूप में, जब आप लैंग्वेज पूरी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा बाकायदा कि रो इनटू कॉलम के रूप में सेट किया है, ठीक है। दो बातें हैं, एग्जामिनर या तो लिख दे, और नहीं भी लिखे तो हम कैसे पकड़ेंगे, बात यह आती है। एग्जामिनर देखिए ज्यादातर केस ये होता है लिख देता है, और कई बार वो नहीं भी लिखी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका लिखना या न लिखना उसकी मर्जी पर है, वो चाहे तो लिखे न चाहे तो न लिखे, ठीक है। लेकिन हमें कैसे फाइंड आउट हो कि रो इंटू कॉलम के रूप में कोडिंग की है या कॉलम इंटू रो के रूप में कोडिंग की है, ये हमें भी तो पता लगना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा, आप क्या कीजिए कि 0 2 है, यू को 0 2 लिखा है, एक बार आप रो इंटू कॉलम पर चले जाइए और दूसरी बार आप कॉलम इंटू रो पर आ जाइए। कैसे भाई, अगर मैं पहला फॉर्मेट लेता हूँ रो इंटू कॉलम का, जो जनरली एग्जामिनर पुट करता ही करता है, 99% क्वेश्चन इसी पर आएंगे, 1% पॉसिबिलिटी है कि वो कॉलम इंटू रो से घुमा सकता है, उसका भी देख लेंगे। 0 2 जैसे उसने किया 0 2, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट मैट्रिक्स के खत्म, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए आप, ताकि अब जैसे ही अगले वीडियो आए तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस बाकी रहे, कंसेप्ट खत्म इस वीडियो से मैट्रिक्स को लेकर के। मैं कुछ भी छोड़ूंगा ही नहीं जो आपको डाउट रहेगा, क्योंकि मैं उस दौर से निकला हुआ हूं जो डाउटफुल जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या स्टार्टिंग में दिमाग में आते हैं। और आप देखना, जिसने कहीं कोचिंग भी की होगी वो भी पढ़े इस चैनल के, एक बार तो पता लगेगा कि समझाने का जो तरीका है और जो डिफरेंस है वो आपको खुद को एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, ये आप ही लोग हैं जो बताते हैं कि सर एक ही बार में समझ में आ रहा है, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए इसमें कि 0 2, ठीक है, 0 2
आप एक बार जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ये रो है या कॉलम है, हमें कैसे पता लगे कि एग्जामिनर ने कोडिंग किस तरीके से सेट की है, रो इनटू कॉलम से सेट की है या कॉलम इनटू रो से सेट की है। तो देख लेते हैं, अगर मैं 0 2 को पहले मैं रो इनटू कॉलम का केस लूंगा, रो पर जाता हूं, रो कितना है 0, ठीक है, रो कितना है 0, ठीक है दोस्तों, रो कितना है 0, 0 रो कहाँ है, देखिए ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की रो है, ये 3 नंबर की रो है और ये 4 नंबर की रो है। कॉलम की बात करते हैं, ये 0 नंबर का कॉलम है, ये 1 नंबर का कॉलम है, ये देखिए ये 0 नंबर का कॉलम है, ये 1 नंबर का कॉलम है, ये 2 नंबर का कॉलम है, ये 3 नंबर का कॉलम है, ये 4 नंबर का कॉलम है। इसी तरीके से ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की रो है, ये 3 की और ये 4 की। अब जैसे ही मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रो इनटू कॉलम पर जाइए, तो 0 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, तो रो कितना है 0, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये क्या है 0 नंबर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 0 2, यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि 0 नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे को क्या है, डायरेक्ट सर्च करना है कि 0 नंबर की रो ये है और 2 नंबर का कॉलम ये है, तो यहां पर क्या यू अवेलेबल है, तो बिल्कुल यू यहां पर अवेलेबल है, इस तरीके से आपको मिलेगी। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल ने रो इनटू कॉलम को सेट न करके, एक मिनट यार, ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर ने रो इनटू कॉलम के रूप में सेट नहीं करके कॉलम इनटू रो के रूप में करता तो क्या होता, वो भी एस्पेक्ट देखेंगे अभी, पहले रो इनटू कॉलम का देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 2 है वो यहां पर यू अवेलेबल है, 2 3, 2 3 देखिए, 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, तो डायरेक्ट 2 नंबर की तो रो पकड़िए और 3 नंबर का पकड़िए कॉलम और सीधा आ जाइए इसके सूत्र में, मतलब जहां 2 नंबर की रो और 3 नंबर की कॉलम मिलते हैं, देखिए लाइन चला रहा हूं, जहां भी मिलते हैं वहां आ जाइए, यहां मिल गए, तो ये जो यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इंटू 3, मतलब रो इंटू कॉलम के। अब ये जो यू आपको मिल रहा है ये एक बात और इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोडिंग है ये रो इंटू कॉलम के रूप में सेटिंग की गई है। अगर मान लो कॉलम इंटू रो होता, अगर 2 और 3, अगर मैं इसको कॉलम मानता हूं, मान लो एक मैं आपको मान के बताता हूँ ये कॉलम है और ये रो है, तो 2 नंबर का कॉलम पकड़िए और 3 नंबर की रो और आ जाइए सीधा सीधा, जब आप आओगे तो आपको यहां पर मिलेंगे जब दोनों, तो यहां पर मिल रहा है आपको के, तो क्या 2 3 की कोडिंग के रूप में की गई है। आप जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जामिनर ने दिया है कि 2 3 है वो तो यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब अगर आप इसको कॉलम इनटू रो के रूप में देखते हैं तो 2 और 3 पोजीशन पर तो के मिलता है भाई, कॉलम इनटू रो के रूप में देखते हैं, अगर आप 2 को कॉलम मानते हैं और 3 को रो मानते हैं और यहां मिलाते हैं तो के मिलता है आपको। तो क्या 2 और 3 की कोडिंग के रूप में की गई है या फिर यू के रूप में की गई है। अगर के रूप में कोडिंग की जाती है दोस्तों 2 और 3 की इस क्वेश्चन में, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर जो कोडिंग है वो कॉलम इनटू रो के रूप में सेट की गई है। तो आपको भी करना क्या होता, जब आप वे वर्ड निकाल रहे होते तो आपको भी कॉलम इनटू रो का ही यूज करना होता वहां पर। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो कोडिंग है वो रो इनटू कॉलम पर बेस है, तो आपको भी जब आप जो भी आपसे पूछेगा, जैसे बेयर पूछा है, इसके जो लेटर्स हैं उनकी जो कोडिंग आप करोगे वो रो इनटू कॉलम पर ही बेस होनी चाहिए,
वहां आप कॉलम इनटू रो का सहारा नहीं ले सकते, ठीक है? ये बात बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब जो है 4-1 है, 4-1 अगर मैं मानता हूं दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताया कि यहां तो कोडिंग है, एक सिर्फ एक देखिए, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बता रहा हूं, सभी बताऊंगा, लेकिन जब आपको एग्जाम देना है तब आप क्या करेंगे वो भी देखेंगे। अभी आप समझिए, अलग अलग एस्पेक्ट जो बन सकते हैं, जो दिखाई जा सकते हैं, वो सब दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? अगर मान लो ये मैं मानता हूं कि ये 4 है, ये रो है और 1 है कॉलम है, तो 4 को रो है मेरा, 4 को कहाँ है, यहाँ है, और 1 कॉलम कहाँ है, यहाँ है, आधा ये मिला दीजिए तो यू आ गए। तो हम भी ये चाहते हैं कि एग्जामिनर भी ये कह रहा है कि भाई 4-1 को यू के रूप में कोडिंग की सेट की गई है, 4-1 की, 4-1 कहाँ है, 4-1 यहाँ है, और यहां पर क्या अवेलेबल है इस बक्से में, यू। तो यू की कोडिंग 4-1 के रूप में की गई है, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि यहां पर रो इनटू कॉलम की कोडिंग सेट की गई है। ये तो हो गई मैट्रिक्स वन की बात। अब मैं बात करता हूं मैट्रिक्स टू की, जो आगे देगा एग्जामिनर आपको। भाई मैट्रिक्स एक जो फर्स्ट है इसमें कोई एक लेटर वो कोडिंग करके देगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि इस मैट्रिक्स में आपको कोडिंग कैसे करनी है, रो इनटू कॉलम का सहारा लेके करनी है या कॉलम इनटू रो का सहारा लेकर के करनी है। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि मैट्रिक्स वन में जो भी लेटर आएगा उसकी जो कोडिंग होगी वो रो इनटू कॉलम पर बेस है। अब सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है इसमें किस तरीके से कोडिंग की गई है, रो इनटू कॉलम पर बेस की गई है या कॉलम इनटू रो पर बेस की गई है, वो देखते हैं आगे। और वो देखा मैट्रिक्स जो सेकंड है उसमें कोई ना कोई, मैट्रिक्स वन है फर्स्ट है उसमें एक लेटर की कोडिंग करके देगा, मैट्रिक्स सेकंड है उसमें एक लेटर की कोडिंग करके वो जरूर देगा, ताकि आपको पता लगे कि मैट्रिक्स वन के जो लेटर है आपको किस तरीके से लेने हैं, रो इनटू कॉलम से बेस लेने हैं या कॉलम इनटू रो से लेने हैं। मैट्रिक्स सेकंड में भी वो देगा, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैट्रिक्स सेकंड की जो कोडिंग है वो किस तरीके से की गई है, रो इनटू कॉलम के बेस पर की गई है या कॉलम इनटू रो के बेस पर की गई है। तो देखिए एक लेटर उसने दे दिया यू, ये कहां अवेलेबल है, मैट्रिक्स वन में अवेलेबल है। अब वो सेकंड लेटर दे रहा है एस, एस कहां अवेलेबल है, यह अवेलेबल है मैट्रिक्स सेकंड में। अब देखिए दोस्तों उसने एस को किया है 5-9 से कोडिंग, अगर मैं इसको रो मानता हूं 5 को और 9 को क्या बोलता हूं कॉलम, तो 5 नंबर की रो देखिए कहां है, यहां है, और कॉलम कितने नंबर का चाहिए आपको, 9 नंबर का, 9 नंबर का कॉलम ये, और आ जाइए आप सीधा यहां मिल रहे हैं। तो यहां पर देखिए कौन सा लेटर अवेलेबल है, यहां पर क्या है एस, और हमें भी क्या चाहिए, एस ही चाहिए, क्योंकि एस को ही कोडिंग किया है 5-9 के रूप में। जब हम एक लेटर एक यहां कोडिंग ये देख लेते हैं कि एस का मतलब 5-9 है, और हमने क्या किया, रो लिया 5, रो इनटू कॉलम का सहारा लिया, रो लिया 5 और कॉलम लिया 9 और हमें मिल गया एस, तो ये बात कंफर्म हो जाती है दोस्तों कि यहां पर जो कोडिंग की गई है वो रो इनटू कॉलम को लेकर के की गई है। जो मैट्रिक्स सेकंड की भी कोडिंग यहां सेट की गई है वो रो इनटू कॉलम को लेकर के की गई है, ठीक है? इसी तरीके से जो छह छह है, अगर आप छह और छह, 6 नंबर का कॉलम, 6 नंबर की रो और 6 नंबर का कॉलम, यहां देखिए क्या है एस, 8-8 है, 8 नंबर का रो, 8 नंबर का कॉलम, और यहां आ जाए सीधा। तो आपको ये साफ साफ मिल रहा है दोस्तों यहां पर कि रो इनटू कॉलम का सहारा लिया गया है मैट्रिक्स सेकंड में, जो भी लेटर कोडिंग किया जाएगा, जो भी लेटर जो मैट्रिक्स सेकंड में अवेलेबल है वो रो इनटू कॉलम का सहारा लेकर ही कोडिंग किया जाएगा। मैट्रिक्स फर्स्ट में हमने देखा कि रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग है, सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा, इस लेटर से पता लगता है। अगर वो ना भी दे तो हमें कैसे जज करना है, जो लेटर की कोडिंग करके देगा, जो भी लेटर की कोडिंग में नंबर डालेगा, उन नंबरों के आधार पर हम जज कर सकते हैं दोस्तों कि यहां पर रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है या कॉलम इनटू रो पर बेस कोडिंग है। हाँ इसमें कई बार ये डाउट आता है कि सर चलो मैट्रिक्स वन में तो रो इनटू कॉलम है, तो क्या ये जरूरी है कि मैट्रिक्स सेकंड में भी वो रो इनटू कॉलम पर ही बेस देगा कोडिंग? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो फर्स्ट अगर मैट्रिक्स में रो इनटू कॉलम पर बेस्ड कोडिंग सेट करता है तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो सेकंड मैट्रिक्स में भी रो इनटू कॉलम पर ही बेस्ड मैट्रिक्स कोडिंग सेट करे। वो वहां पर
कोलम इनटू रो के रूप में भी इस कोडिंग सेट कर सकता है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट देखिए दोस्तों ये पड़ता है कि अगर मान लो मैट्रिक्स फर्स्ट में जो भी लेटर अवेलेबल है, जैसे यहां पर यू अवेलेबल है, इसकी कोडिंग उसने सेट कर दी रो इनटू कॉलम पर बेस। अब इसका फर्क ये पड़ेगा कि इसके अंदर जितने भी लेटर हैं, देखिए आप है ना, आर को यहां नहीं ढूंढ सकते। आर कहां है? यहां है कहीं? नहीं है, क्योंकि वो कोडिंग ही इस तरीके से सेट करके देगा कि एक जो लेटर है, एक लेटर की भाई कोडिंग तो किसी भी तरीके से सेट की जा सकती है, ठीक है। कोडिंग जैसे एक लेटर है उसकी अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबरों की कोडिंग आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये पड़ेगा कि रो इनटू कॉलम, जैसे मैट्रिक्स वन हमने देखा, मैट्रिक्स वन में हमने यू देखा, और हमने यू भी नहीं देखा, हमने देखा जीरो टू। बढ़ते ही हम क्या शुरुआत में क्या देखेंगे? जीरो टू। हमने ये मानेंगे शुरू में कि रो इनटू कॉलम मान के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केस में रो इनटू कॉलम का ही सहारा लेता है एग्जामिनर, ज्यादा दिमाग नहीं लगवाता। ये तो बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन भी आने वाले टाइम में फ्रेम हो सकते हैं जिस तरीके से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये मानता हूं कि रो इनटू कॉलम, हम ये मानेंगे शुरुआत में कि हम क्या करेंगे, यू को भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जीरो टू को। और क्या मानेंगे? जीरो टू को देख करके कि भाई ये जीरो है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टू है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीरो रो को, टू कॉलम को। अब हम देखेंगे जीरो नंबर की रो और टू नंबर का कॉलम पर कौन सा लेटर अवेलेबल है? यू, और यू ही हमें चाहिए। बस हमारा काम हो गया, हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मैट्रिक्स वन है इसमें जो कोडिंग सेट की गई है लेटर की, वो रो इनटू कॉलम पर बेस है। हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। दूसरा, आप एक दूसरी मैट्रिक्स का लेटर होगा, ये तो मैट्रिक्स वन का लेटर है, ये मैट्रिक्स सेकंड का लेटर है, उसको भी चेक कीजिए। एक को चेक कर दीजिए, जैसे मैंने 5 9 ले लिया, तो 5 9 हम ये मानेंगे शुरुआत में कि रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केस में दोस्तों इस तरीके से ही आती है रो इनटू कॉलम पर, ठीक है। तो रो, जैसे मैं मानता हूं कि 5 नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 9 नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 नंबर की रो और 9 नंबर का कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को। अब मुझे लेटर पर आना है, मैं ये कंफर्म कर चुका हूं इसके माध्यम से कि 5 9 का मतलब है एस, 5 9 का मतलब क्या है? एस। और फिर मुझे लेटर देखना है कि यार 5 9 का मतलब क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, एस दे रखा है, तब तो कोडिंग सेट की गई है रो इनटू कॉलम का सहारा लेकर के। अगर 5 9 का मतलब एस नहीं है तो फिर वहां पर ये देखिए, वहां पर कोडिंग सेट की जाएगी कॉलम इनटू रो पर बेस, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर मान लो यहां तो चलो ठीक है, दोनों में ही रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है, यहां भी रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है, और यहां भी रो इनटू कॉलम पर बेस ही कोडिंग है, तो अब जितने भी लेटर आएंगे चाहे वो मैट्रिक्स वन में हो, अगर यहां मैट्रिक्स वन की कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस है, तो मैट्रिक्स वन के जितने भी लेटर हैं उन सभी की कोडिंग रो इनटू कॉलम के बेस पर ही होगी, ये इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैट्रिक्स सेकंड की कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस है, तो मैट्रिक्स सेकंड में जितने भी लेटर्स अवेलेबल होंगे उनकी सभी की कोडिंग रो इनटू कॉलम पर बेस करनी होगी। अगर मान लो ये तो हो गया एक केस, ये भी हो सकता है कि वो एक को तो रो इनटू कॉलम पर दे दे, तो उसके जितने भी लेटर है वो रो इनटू कॉलम पर बेस चलेंगे। अगर मान लो मैट्रिक्स सेकंड को वो रो इनटू कॉलम पर बेस न देकर के कॉलम इनटू रो पर बेस कर देता है, तो मैट्रिक्स सेकंड का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट दोस्तों ये पड़ता है कि मैट्रिक्स सेकंड के जितने भी लेटर्स होंगे वो सब के सब कॉलम इनटू रो पर ही बेस होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो एग्जामिनर ने आपको कोई भी लेटर है, जैसे मान लो ए है, ए को क्या किया एग्जामिनर ने, कॉलम इनटू रो इनटू कॉलम पर बेस न करके, यानी कि 5 6 के रूप में कोडिंग न करके उसने इसको कर दिया 6 5 6 5, ठीक है। हमेशा देखिए दोस्तों 6 5, अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो है रो इनटू कॉलम, ठीक है दोस्तों,
अब ये देखिए, अगर एग्जामिनर एक को 5 और 6 के रूप में कोडिंग न करके 6-5 के रूप में कोडिंग सेट करता है, कर सकता है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा वो देखिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि 6 और 5, और मैंने आपको यही बताया कि आप रो इंटू कॉलम पर बेस रहिए, रो इंटू कॉलम गए आप। जब आप यहां पर गए रो इंटू कॉलम, तो 6 नंबर की रो और 5 नंबर का कॉलम, 6 नंबर की रो 5 नंबर का कॉलम ये रहा, और यहां पर आपको मिल रहा है ई, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि यहां तो एक ही कोडिंग सेट की गई है, ई की नहीं, एक ही कोडिंग सेट नहीं किया एग्जामिनर ने, एक ही कोडिंग सेट की है, तो फिर आप इसको कैंसिल कीजिए, फिर आप कॉलम इनटू रो लीजिए, क्योंकि ये भी संभावना है कि कॉलम इनटू रो के रूप में भी कोडिंग की जा सकती है। तो हम 6 नंबर का तो कॉलम लेंगे और 5 नंबर की लेंगे रो। अब इस तरीके से कोडिंग सेट ना की गई है, तो इस तरीके से की गई होगी, कॉलम 6 नंबर का और रो है 5 नंबर की, और जैसे ही आप आए 6 और 5 का साधन लेकर के, तो आपको मिल गया एक ए, और ए को ही इसने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, 65। तो ये कंट्रम हो गया है यहां पर कि यहां जो कोडिंग है वो रो इंटू कॉलम पर बेस न होकर के कॉलम इंटू रो पर बेस है। तो इसका इंपैक्ट देखिए क्या होगा, एक ही लेटर, एक ही नंबर से आपने पकड़ लिया कि यहां पर जो कोडिंग है वो कॉलम इंटू रो पर बेस है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि अब जितने भी लेटर जो मैट्रिक सेकंड में होंगे, जितने भी लेटर्स, उनकी सभी की कोडिंग आपको कॉलम इनटू रो पर बेस करनी होगी। ये एक एक्स्ट्रा लेवल है जो आप सीख सकते हैं, एग्जाम्स में अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, आने की संभावना है। ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, मैट्रिक्स वन में भी रो इनटू कॉलम का सहारा लेता है, मैट्रिक्स सेकंड में भी रो इनटू कॉलम का ही सहारा लेता है, और वो क्वेश्चन को एक सिंपल सा वर्ड रखता है और उसका पूछ लेता है, उससे रिलेटेड कोडिंग होती है नंबर की, और ये 4 ऑप्शंस रहते हैं, हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ये तो कुछ बातें थी जो इसके बारे में मुझे बतानी थी कि कैसे रो इनटू कॉलम पर बेस होता है, कैसे कॉलम इनटू रो पर बेस होता है, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमें पता लग गया दोस्तों कि मैट्रिक्स वन की जो कोडिंग है यू के माध्यम से हमने देख ली, 0 2 के माध्यम से ही हम पकड़ गए कि 0 2 यू यू है यहां पर, तो यहां पर रो इनटू कॉलम पर बेस है कोडिंग। फिर हमने देखा कि 5 9 5 9, मैंने लेटर को नहीं देखा, मैंने नंबर को देखा, 5 9 5 5 नंबर की रो 9 नंबर का लेटर कॉलम, 5 9 पर एस है, एस यहां पर अवेलेबल है, मैट्रिक्स सेकंड भी रो इनटू कॉलम पर बेस है। अब जो भी कोडिंग सेट होगी, जो भी लेटर्स हैं उनकी सबकी रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग होगी, तो अब मुझे डायरेक्ट इस लेटर पर आना है जो पूछा गया है। और एग्जाम में देखिए दोस्तों, एसएससी में जैसे मैंने प्रैक्टिस भी की है और काफी कुछ इसके ऊपर पढ़ा भी है, तभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये देखा है एग्जाम्स के क्वेश्चन में, जो एग्जाम में होता है, आप क्या कीजिए कि लास्ट जो लेटर है, लास्ट लेटर वहां से शुरुआत कीजिए, और जो लास्ट लेटर है वहां से आप इधर से शुरुआत मत कीजिए, इधर से शुरुआत कीजिए लास्ट से, और आप लास्ट लेटर से शुरुआत कीजिए और उसकी कोडिंग पकड़ना शुरू कीजिए, ऑप्शन ए बी सी और डी। और आप सबसे पहले ए ऑप्शन को सेट मत कीजिए, यहां पर आप सीधा डी ऑप्शन को सेट कीजिए, पीछे से शुरुआत कीजिए, डी सी इस तरीके से बी ए, ठीक है। ये दो बातें हैं, एक तो आपको लास्ट लेटर से कोडिंग करनी है, दूसरी लास्ट ऑप्शन से कोडिंग देखनी है, ठीक है, शुरुआत से कोडिंग नहीं सेट करनी, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, ये मैंने देखा है जब मैंने क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर, तो एग्जामिनर क्या करता है, या तो 3 नंबर का ऑप्शन सेट करके देता है या 4 नंबर का ऑप्शन सेट करके देता है, 75% तो 4 नंबर का ही सेट करके देता है, 25% की बन जाता है, 20-25% की वो 3 नंबर का दे देता है, तो आपका यहां तक काम निकल जाएगा, ठीक है। बट कई बार ऐसा फिक्स नहीं है कि ए और बी वैसे ही मजे लेने के लिए देता है, कई कई बार वो क्या करता है, जैसे आपने इधर से बी से शुरुआत की और वो ऑप्शन ए को ही सही करके रखता है, तो वो एक अलग केस है, वो एक छोटी सी माइनर सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने देखा कि डी या सी में से ही आंसर मिल रहा है या फिर आप बी तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और इससे क्या फायदा है, ये इस तरीके से ही नंबरिंग सेट की जाएगी दोस्तों, कि आप आराम से
ऑप्शन इलिमिनेट कर दोगे अगर आप पीछे से शुरुआत करते हैं, तो पीछे वाले लेटर से और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, तो आप आराम से ऑप्शन इलिमिनेट कर जाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे को यहां पर ये पकड़ में आ चुका है कि रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है। अब मैंने देखा ई, ई को जैसे देयर है तो मैं सबसे लास्ट वाला लेटर पकड़ूंगा ई। क्या पकड़ा मैंने? ई। अब मैं देखूंगा कि यार जो 44 85 ऑप्शन नंबर डी है, 44 85 34 और 65, इसमें से ई की कोडिंग क्या है, ई की कोडिंग क्या है? तो ई की कोडिंग क्या है दोस्तों? सबसे लास्ट वाला नंबर 65, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? 65। ये है ई की कोडिंग। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, 65 है। अब आप ये देखें कि ये तो रो है, क्योंकि हम ये जज कर चुके हैं, पहले से देख चुके हैं कि रो इनटू कॉलम पर बेस कोडिंग है, तो ये तो रो है, ये कॉलम है, तो 6 नंबर का तो रो, 6 नंबर का रो यहां है नहीं है, या तो 4 नंबर तक की रो अवेलेबल है, तो 6 नंबर का रो कहां है? यहां है। 6 नंबर का रो और 5 नंबर का कॉलम, 6 नंबर का रो और 5 नंबर का कॉलम, क्या यहां पर ई है? बस आपको ये देखना है कि 6 नंबर का रो और 5 नंबर का कॉलम, क्या यहां पर ई अवेलेबल है? तो आपने देखा है। ठीक है, तो मतलब ई की कोडिंग सही सेट है। फिर आपने देखा 3 4, यानी कि 3 नंबर की रो और 4 नंबर का कॉलम, आप देखिए यहां पर क्या है? आर। तो क्या आर ही चाहिए आपको? तो बिल्कुल आर ही चाहिए। उसके बाद 8 5, 8 नंबर की जो 8 नंबर की रो है और 5 नंबर का कॉलम है, उस पर आ गए ए। तो क्या आपको ए ही चाहिए? तो बिल्कुल ए ही चाहिए। उसके बाद 4 4, यानी कि 4 ही नंबर की रो है और 4 ही नंबर का कॉलम है, तो जैसे ही आप आते हैं यहां मिलता है आपको डी, और डी का मतलब आपको डी डी ही चाहिए, और डी एग्जामिनर ने पूछा है। तो आप देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, उल्टा चेक कर रहे हैं, सीधा चेक न करके उल्टा चेक कर रहे हैं। कैसे? एक तो आपने लास्ट से, लास्ट वाले लेटर से शुरुआत की, फिर लास्ट ऑप्शन से शुरुआत की, भाई लास्ट ऑप्शन को पकड़ा, फिर लास्ट वाले लेटर से शुरुआत की, फिर आपने क्या किया, हर लेटर की कोडिंग मत की ढूंढिए। अब आप ये मत ढूंढने लग जाना कि यार मैं तो ई की पूरी की पूरी कोडिंग निकालूंगा पहले, ई को क्या क्या बोला है। फिर कई लड़के होते हैं वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं बताता हूं, वीडियो की थोड़ी लेंथ ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, ई है। अब कई लड़के क्या होंगे, वो ई को ऐसे लिखेंगे और फिर देखेंगे कि यार ई को अच्छा मत 6 5 लिख सकता हूं, ई को और कहां है ई, फिर ऐसे चेक करेंगे, ई यहां भी है तो 7 6 भी लिख सकता हूं, फिर ई कहीं है, ये रहा 8 7 भी लिख सकता हूं, फिर ई यहां है, 5 8 भी लिख सकते हैं, फिर ई यहां है, 9 9 भी लिख सकते हैं। तो वो इस तरीके से आप देखिए दोस्तों, यहां तो 4 ही लेटर हैं, और अगर मानो 6 7 लेटर का अगर आ गया, तो आप हर लेटर की इस तरीके से लिखोगे क्या? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का, आप इसमें उल्टा चलिए, उल्टे से ही सबसे शुरुआत कीजिए लेटर की, उल्टे ऑप्शन से ही, मतलब ऑप्शन नंबर डी से ही चेकिंग कीजिए, और आप लेटर को मत ढूंढिए, आप नंबर को ढूंढिए कि वो नंबर कहाँ है, रो इनटू कॉलम पर बेस्ड जो नंबर दे रखा है वो कहाँ है। आप लेटर को कोडिंग मत ढूंढिए, आप ई को ढूंढने मत बैठिए कि ई कहाँ कहाँ है, आप ये ढूंढिए कि 65 कहाँ है, 65 यहाँ है, ई है बस, और ई ही आपको चाहिए। अब आपको 65 पे मान लो और कुछ मिल जाता है, वी मिल जाता, तो ये कंफर्म था कि ये इसकी कोडिंग नहीं है, तो हम इसको इलिमिनेट कर जाते और आगे बढ़ते। मैं आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों कि आप इसमें उल्टा चलिए, आप यहां लेटर को मत ढूंढिए, आप यहां नंबर को ढूंढिए, उस नंबर पर जो लेटर अवेलेबल होगा वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से मत कीजिए, कई लड़के होते हैं वो इस तरीके का सारा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और आपको टाइम बचाना है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इस तरीके के क्वेश्चन में आप चाहो तो 5 मिनट लगा सकते हो, और अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप लास्ट वाले लेटर से कोडिंग करें, लास्ट वाले, लास्ट से फर्स्ट की तरफ मूवमेंट लें, लास्ट ऑप्शन से ही चेक करें, मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन किस तरीके से मददगार होते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में, ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। ये टाइप 3 तो मैंने थोड़ा सा कम कराया है आपको, वो मुझे भी पता है, इसका
कराएंगे अभी आपको बाद में, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है, ठीक है। उसमें मैंने दो क्वेश्चन ही कराए हैं, वो बहुत बढ़िया से कराए हैं, और इसके बाद जैसे ही मैं रीजनिंग खत्म करा दूंगा तो और एक दो वीडियो बनाएंगे उस पर, तो उसकी टेंशन मत कीजिए आप। जो करा रहा हूँ उसको 100% कीजिए, जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो दो बार वीडियो को देखिए, दो बार नहीं आ रहा तो तीन बार देखिए। यहाँ तो सब कुछ आपके सामने ही है, लेकिन समझिए दोस्तों, कंसेप्ट यही है जो बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको उल्टा चलना है, कि यहाँ लास्ट वाले लेटर से शुरुआत करनी है, यहाँ लास्ट ऑप्शन से शुरुआत करनी है, और आप लेटर को मत ढूंढिए, आप नंबर को ढूंढिए कि वो नंबर कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। जैसे नंबर आप पैसे को ढूंढिए, आप ई को मत ढूंढिए। ई को कहां तक ढूंढेंगे यार आप, ई 5 जगह अवेलेबल है, 5 जगह थोड़ी ढूंढते फिरोगे। सोचने लायक बात है, ई को 5 जगह थोड़ी ढूंढते फिरोगे। आप तो नंबर को ढूंढिए कि 65 कहाँ है, 65 यहाँ है, ई है, सही है। 34 को ढूंढिए, 34 कहाँ है, 34 यहाँ है, 3 और 4 आर है। आप आर को मत ढूंढिए, आर तो अपने आप ही मिल जाएगा, मिलना होगा तो, ठीक है। आर तो अपने आप ही मिल जाएगा, मिलना होगा तो, और नहीं मिलेगा तो हम इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर देंगे, इस ऑप्शन को काट देंगे, अगले वाले ऑप्शन पर चेकिंग करेंगे, वो सब बताएंगे अगले आगे रहने वाले क्वेश्चंस में। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप लेटर को मत ढूंढिए, नंबर को ढूंढिए कि 3 4 कहाँ है, 3 4 यहाँ है, आर है, यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4, आर को, और आर ही मुझे चाहिए। अब आप ये देखिए कि मुझे आर ही चाहिए या कोई और चाहिए, तो आर ही चाहिए तो ठीक है। आप 8 5 को ढूंढिए, 8 5 कहाँ है, 8 5 यहाँ ए है। अब आप यहां पर क्या मिला आपको, ए। फिर आपको ये देखना है कि मुझे ए ही चाहिए क्या, ए चाहिए, सही है। आप 44 को ढूंढिए, 44 यहाँ है, 44 पर क्या है, डी, ठीक है, तो डी ही आपको चाहिए, तो सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये आप 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे इस तरीके से क्वेश्चन करने में। लास्ट से स्टार्ट करें, लेटर से, लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करें, और लेटर को मत ढूंढिए, नंबर को ढूंढिए। ये तीन बातें हैं दोस्तों जो आपको 5 मिनट के से सीधा 10 सेकंड पर ले लेंगी, ठीक है। 5 मिनट के क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आप इस तरीके से करोगे ना, और फिर उनमें ढूंढते फिरना एक एक नंबर को, ठीक है। पहले तो ये नंबरों की कोडिंग सेट करना, डी की भी लिखना अलग से, ए की भी लिखना, आर की भी लिखना, ए की तो मैंने लिख दी है, और फिर उसमें से आप नंबर छांटना, फिर चारों नंबर मिलने से ही है, तो वहां 5 मिनट कम से कम लगेंगे। लेकिन जो भी मेथड मैंने बताया है, लास्ट से शुरुआत करें, लास्ट ऑप्शन पर जाए, और लेटर को मत ढूंढिए, नंबर को ढूंढिए, बस। अगर आपने ये तीन चीजें इसमें फॉलो कर ली है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में, तो आप विदिन 10 सेकेंड, और कई कई बार तो विदिन 5 सेकेंड ही, आप लोग क्वेश्चन को राइट टिक कर सकते हैं। मैं गलत टिक की बात नहीं कर रहा, रॉन्ग टिक नहीं कर रहा, बता रहा राइट टिक बता रहा, आप राइट टिक कर सकते हैं विदिन 5 सेकेंड। ये आप तभी कर पाएंगे जब जो फंडामेंटल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, और मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इससे रिलेटेड, और बताएंगे आपको कि कैसे आप और कम समय लगा सकते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार लेंथ देख लेते हैं वीडियो की, 53 मिनट का हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपलोडिंग में भी समस्या आ सकती है, ठीक है दोस्तों। और अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और बताऊंगा कि आप विद इन सेकेंड कैसे इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं मैट्रिक्स को लेकर के, इस टाइप को लेकर के जो बेसिक्स है वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए आपसे। अब आप खुद दिल से बताना, अगर आपने कहीं कोचिंग की है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इस तरीके से मैट्रिक्स पढ़ाई गई थी रीजनिंग में, जो मैंने यहां पर अभी 55 मिनट में डिस्कस किया आपसे। हर एक चीज देखिए आप बिल्कुल क्लियर रखनी होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कम समय लगा पाएंगे। मैं हर एस्पेक्ट बता रहा हूं, कम समय कैसे लगा सकते हैं, फंडामेंटल्स कैसे बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सब बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हाँ, घंटों का कोई इश्यू नहीं है कोचिंग्स में, जब टीचर पढ़ाता है ऐसा नहीं उसको आता नहीं है, आता है, लेकिन वहां समस्या यह है, मैंने भी कोचिंग में पढ़ाया था तो वहां समस्या ये होती है कि वो बताते हैं कि भाई आपको 50 घंटे में रीजनिंग करा के देना है, क्योंकि वहां घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है, 50 घंटे में रीजनिंग कराना है। वहां पर क्या होता है कि दिल मरता है, दिल को मार करके चीजें करानी पड़ती हैं टीचर को,
कि यार 50 घंटे में क्या कराऊं मैं। फिर मैंने सोचा यूट्यूब चैनल ही खोल लेते हैं ताकि आराम से जितने 100 घंटे बने 150 बने लेकिन अच्छे से कराएंगे चीज़ें सुन के, ठीक है, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए सभी चीज़ें। तो ये तो है, ये बात ही बस ये कि मुझे इस चैनल को खोलने के लिए मजबूर किया। और अब आप लोगों पर है दोस्तों कि आप इसको कितना प्रमोट करते हैं कितना नहीं करते हैं, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।